हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में TCS स्मार्ट हायरिंग 2021 के जो अभी मींस फरवरी NQT के रिजल्ट्स रिलीज हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उस पर हम आज बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सभी कैंडिडेट्स के अभी माइंड में हैं कि इस टाइप से इन पर्टिकुलर पॉइंट्स का क्या आंसर हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमने अभी चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की है, TCS फैब NQT स्कोर रिलीज हो गए हैं, क्या इसका यूज है। आपने ये वीडियो नहीं देखी है, वीडियो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो की बात करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इसमें आप वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपने स्कोर किया है 76%, 85%, 88% या आपने 55% इतना स्कोर किया है, क्या आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। दूसरा पॉइंट है, इंटरव्यू क्या शेड्यूल हो रहे हैं या अभी नहीं हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कट ऑफ स्कोर, किस पैरामीटर पे TCS इंटरव्यू की इनविटेशंस भेजते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, लाइव एनालिसिस थ्रू स्कोर कार्ड, हम लाइव एनालिसिस देखेंगे स्कोर कार्ड से कैसा होता है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट का आपको मैं आंसर बताता हूँ कि मैंने स्कोर करे 76%, 85% इंटरव्यू कॉल। मैं मेरे ब्रदर का स्कोर कार्ड लूंगा दोस्तों, और उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि किस टाइप से जो NQT है उनका पिछले साल का ट्रेंड चलता आ रहा है। मैं आपको पिछले साल के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ और आपको उसी के बेसिस पे समझाऊंगा, इसलिए एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा जिससे कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, ध्यान से आप इस स्कोर कार्ड को देखिए। यहाँ पे ये जो है कॉग्निटिव का स्कोर कार्ड है, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप मार्क्स देखिए 525 है 600 में से, वर्बल में 310 है, रीजनिंग में 393 है, और टोटल मार्क्स से मीन से 1230 इस टाइप से, टोटल मार्क्स है 1230 इस टाइप से, पूरे टोटल मार्क्स से 68.29% यहाँ पे टोटल परसेंटेज है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज कितने, 68.29। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, मेरे ब्रदर ने 2021 में अक्टूबर NQT भी दी थी, मीन्स 2020 में अक्टूबर NQT भी दी थी, ठीक है दोस्तों। वहां पे उनके उस टाइम मार्क्स थे 1200। अब यहाँ पे जो मार्क्स है, आप यहाँ पे मार्क्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्क्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 29 मार्क्स का ज्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, 68% यहाँ पे आए टोटल। तो मतलब हम फरवरी NQT में मान रहे हैं कि 29 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो गया है और हमारा जो है NQT स्कोर थोड़ा मींस ज्यादा बेसिस पे अच्छा हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो नेशनल क्वालिफायर टेस्ट है वो कभी भी किसी एक चीज को दोस्तों मींस पॉइंट नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर स्मार्ट हायरिंग से रिलेटेड बात करूँ, तो स्मार्ट हायरिंग में तो कोई ऐसा प्रोग्रामिंग सेक्शन था ही नहीं, स्मार्ट हायरिंग में तो डायरेक्ट कॉग्निटिव था। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आपने अगर ओवरऑल मार्क्स में से आपके अगर 50-70% मार्क्स हैं या आपके 50-70% एवरेज वेटेज है, तो दोस्तों आप यहां पे आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। ये प्रिडिक्टिव है, जो कि पिछले साल के जो ट्रेंड्स है उससे रिलेटेड है। उसमें दोस्तों ये रहेगा कि अगर ये प्रिडिक्टिव है, जैसे कि अगर आपके पर्टिकुलर इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज के बीच में है या इससे ज्यादा भी है, इतने हैं टोटल 1800 में से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 1600 मार्क्स है, तो यहाँ पे मींस अगर 1600 मार्क्स से आपके 1500 है, 1400 है, तो इंटरव्यू का कॉल दोस्तों आपको आ सकता है। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, NQT का जो स्कोर रहता है, मेरे एक फ्रेंड की बात बताता हूँ जो कि 2021 बैच पास आउट है, उसमें ये हुआ था दोस्तों कि उनका जो स्कोर था वो नॉर्मली 1800 में से नॉर्मल स्कोर था, मीन्स 1400 लगभग कुछ स्कोर था, उनको निंजा प्रोफाइल के लिए कॉल आ गया था। अब काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 1600 मार्क्स भी आए थे पर उनको निंजा प्रोफाइल के लिए कॉल ही नहीं आया। तो दोस्तों उसके पीछे खास रीजन ये रहता है कि NQT में डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं, तो डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट मार्किंग रहती है कि यहाँ पे कॉग्निटिव भी है, प्रोग्रामिंग भी है। आप अगर 2021, पहले मैं स्मार्ट हायरिंग से रिलेटेड बात करता हूँ जो कि स्मार्ट हायरिंग कैंडिडेट है, और फिर मैं बात करूंगा नॉर्मल BE BTech मीन्स जो अदर कोर्सेज है BE BTech 2021 एंड 2022 बैच। तो अब स्मार्ट हायरिंग से रिलेटेड बात करते हैं, आपका कॉग्निटिव का स्कोर अच्छा है, 50 से 70% है प्रीवियस ट्रेंड के
अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, अगर 50 से 70% के बीच में स्कोर है आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको 2021-2022 बैच का बताता हूँ, आपका ये स्कोर नया आ गया है। मान लीजिए कि आपने 1600 मार्क्स यहाँ पे आप लिया है 2021 बैच एंड 2022, तो क्या आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है? एक बात बताता हूँ, इंटरव्यू कॉल एक बेसिस पे कभी भी नहीं आता है कि आपका एक स्कोर अच्छा है तो वो आपको इंटरव्यू कॉल भेज देंगे। इंटरव्यू कॉल हमेशा ओवरऑल बेसिस पे आता है कि आपने जितने जितने जो जितने भी टेस्ट है उनको अच्छे से दिया है और उसमें आपका क्या स्कोर रहा है। जैसे कि अब मैं आपको आपको यहाँ पे एक और स्कोर कार्ड दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग का, जिसमें 11.67% ये 60 मार्क्स में से 7 मार्क्स ही है, तो किस टाइप से यहाँ पे हमें इंटरव्यू कॉल आएगा? तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और स्मार्ट हायरिंग से रिलेटेड बात करूँ तो स्मार्ट हायरिंग में सिर्फ कॉग्निटिव ही था, तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे जो आपके मार्क्स थे वो किस टाइप से, अगर आपके मार्क्स जो है 50 से 70% है एवरेज 1800 में से, इस टाइप से आपके जो मार्क्स है वो इस टाइप से एवरेज है, आपने अच्छा स्कोर करा है, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। अब दोस्तों ये प्रिडिक्टिव है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी आ जाएगा, क्योंकि ये प्रिडिक्टिव है, मैं आपको प्रिडिक्टिव ट्रेंड्स के बेसिस पे बता रहा हूँ दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है इंटरव्यू शेड्यूल हुए है या नहीं। इंटरव्यू दोस्तों अभी तक तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इसकी कि इंटरव्यू शेड्यूल हो गए हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो भी बीसीए और बीएससी में है। इसी के साथ साथ मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं जो कि अभी उन्होंने स्मार्ट हायरिंग में पार्टिसिपेट किया था, अप्लाई फॉर ड्राइव भी किया था, तो उनके अगर इंटरव्यू शेड्यूल होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जब भी मेल आएगा चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। कट ऑफ स्कोर, अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये कट ऑफ स्कोर क्या है। अब दोस्तों कट ऑफ स्कोर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे टीसीएस की तरफ से ऐसा कोई कट ऑफ स्कोर उन्होंने नहीं बताया कि पर्टिकुलर इतने कट ऑफ आए तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये चीजें कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाती इंडस्ट्री की तरफ से। अगर पर्टिकुलर हम एक प्रिडिक्टिव जो बात करें तो हम प्रिडिक्ट लगा सकते हैं कि हाँ, अगर आपके 1800 में से 1500 मार्क्स से 1200-1400 मार्क्स है तो ऑब्वियसली वो आपको इंटरव्यू को कॉल दे सकते हैं, क्योंकि इतने भी जो है मीन्स लो लेवल के मार्क्स नहीं है, अच्छे लेवल के मार्क्स हैं आपके, अच्छे हैं, 1000 से ऊपर हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा होते हैं मार्क्स। तो आपने अगर सभी मीन्स यहाँ पे टीसीएस की तरफ से अगर आप स्मार्ट हायरिंग के कैंडिडेट हैं तो ये भी देखा जाएगा दोस्तों कि आपने यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्शन है उनमें आपने कितना स्कोर किया है, और उसके बेसिस पे भी होता है दोस्तों। ये सब चीजें हमें नहीं पता है क्योंकि ये टीसीएस की तरफ से पूरा ऑर्गेनाइज की जाती है, जो टीसीएस टैलेंट एक्वाइजेशन टीम है वो डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि किस टाइप से पूरा पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट ये है, किस पैरामीटर के बेसिस पे वो इंटरव्यू इनविटेशन सेंड करते हैं। दोस्तों ये डाउट काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा, मेरे दिमाग में भी ये पॉइंट था कि मुझे आप सभी को ये बताना है। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, इंटरव्यू इन्विटेशन जरूरी नहीं है कि आपका स्कोर अच्छा है या फिर उन्होंने पर्टिकुलर किसी ट्रेंड को लेके या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके पर्टिकुलर पॉइंट को लेके ही आपको इंटरव्यू इन्विटेशन भेजा हो कि नहीं आपके मार्क्स अच्छे आपको इंटरव्यू इनविटेशन आ जाएगा, ये इंडस्ट्री की तरफ से डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों आपको होप रखनी है कि आपको इंटरव्यू इनविटेशन आ सकता है आगे। कोई भी आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप से आगे जो भी अपडेट आएगा आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। मैंने आपको लाइव एनालिसिस बताया स्कोर कार्ड के थ्रू। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, स्मार्ट हायरिंग है, स्मार्ट हायरिंग कॉग्निटिव का स्कोर अच्छा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आने वाले हम कुछ नहीं कह सकते। मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ दोस्तों, जैसे कि 2019 एंड 2020 बैच थे उनकी ऑफिशियली हायरिंग हो गई थी, 2021 बैच की अक्टूबर एनक्यूटी में हायरिंग हुई और उसके बाद 2019 एंड 2020 बैच की हायरिंग स्टार्ट हो गई। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक ध्यान से चीज समझिए कि अगर उनकी हायरिंग हो गई मीन्स उनकी हायरिंग हो गई तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि नहीं अब तो हमारी हायरिंग कभी आगे हो ही नहीं सकती है। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि 2019 एंड 2020 बैच की वापस से हायरिंग हो गई, स्पेशल एनक्यूटी भी हो गई। तो दोस्तों आपका स्कोर अच्छा है तो एनक्यूटी टीसीएस की तरफ से आगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। स्कोर कार्ड है, बता दिया है प्रीवियस वीडियो में कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। TCS की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं जरूर आपको रिमाइंड करूंगा, इसी के साथ साथ वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें बताइए कि किस टाइप से जो पर्टिकुलर हमारे ये पॉइंट्स है उन्हें हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।